मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट, इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग और एट सम टाइम इन द पास्ट। इट मींस पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल के अंदर हमने जो काम किया, और पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर भूतकाल के अंदर हम जो काम कर रहे थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह खाना खा रहा था, तो यह हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या रहेगी, पहचान रहा था, रहे थे और रही थी। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो हमें ध्यान होनी चाहिए। सिंपल टेंस के अंदर सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। इट मीन्स वॉज और वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर के अंदर हो तो हमने वाज का यूज करना है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमने वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट, इन नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पुट सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी एट द लास्ट ऑब्जेक्ट एट द लास्ट मोमेंट वी पुट फुल स्टॉप। इसके अंदर भी हम यही करना है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स ही शी इट अदर देन किसी का नाम, तो हमने वो का यूज करें, अदर देन प्लूरल है तो वर्ब का यूज करें। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है जो नेगेटिव सेंटेंस होती है ना वाले, इसके अंदर हमने वाज और वर्ब, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से हमने पहले रखनी है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। जिसके अंदर हमने क्वेश्चन भी पूछा हो और जिसके अंदर ना वाला वाक्य भी हो, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट में जैसे हमने कहा कि हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है हमारा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमने वॉज का यूज करना है, ही वॉज रीडिंग ए बुक, वह एक बुक को पढ़ रहा था। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड दे, दे हमारा प्लूरल है, तो जैसे कि पहले बताया कि इसके साथ में हमने ऐसे हेल्पिंग वर्ब वर्ब का यूज करना है। दे वर नॉट रीडिंग स्टोरी, कि वे कहानी नहीं पढ़ रहे थे। इंटरोगेटिव के अंदर वर दे राइटिंग लेटर्स, क्या वे पत्र लिख रहे थे। वाज शी नॉट रीडिंग स्टोरी, वाज शी नॉट रीडिंग स्टोरी, वह कहानी, क्या वह कहानी नहीं पढ़ रही थी। तो इस तरीके से आज का हमारा जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर से, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और एग्जांपल्स। थैंक्स।